301, 302 और 303। अब भाई भी पढ़ो। 301, 302, 303। की भी पढ़ो, उसमें नहीं है, उसमें होगी ना, नहीं है, है। वो लास्ट पे नहीं। मैं प्राकृत गाथा पढ़ता हूँ, पेज नंबर 172 पर है, और मैं पढ़ूंगा, आप सब रिपीट करेंगे क्योंकि आप सबके पास में पुस्तक है। प्रकरण आरंभ हो रहा है और वो ये है कि कौन जीव बंध को प्राप्त होता है और कौन जीव मोक्ष को प्राप्त होता है और कौन जीव बंध और मोक्ष से बिल्कुल पार है, रहित है, ना जिसमें बंध है और ना मोक्ष है। लोक का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, चोरी आदि अपराध जो कोई व्यक्ति करता है। देखो, चोरी एक ऐसा अपराध है कि जो अत्यंत स्पष्ट रूप से जगत को मालूम पड़ता है। झूठ आदि ऐसे हैं कि जो बहुत गुप्त जैसे भी रह जाते हैं, और किसी ने झूठ बोला तो उसको एकदम पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो अपराधों की जब चर्चा की तो चोरी वाले अपराध को ही लिया, जो एकदम उदाहरण का एक नियम है कि वो बिल्कुल जग प्रसिद्ध होना चाहिए। कहते चोरी जिसने की है अथवा जिसकी जेब में चोरी का माल है, वो दूसरी जो मैं व्याख्या करता हूँ कि चोरी का माल माने क्या, कि जो चुराया जा सके उसका नाम चोरी का माल। जिसे हमने चुराया है दूसरे से वो नहीं, जिसे कोई चुरा सके
वो सब चोरी का माल, माने जिसकी चोरी की जा सके। यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ तो ये कि तुमने माल चुरा के लाए और तुम्हारी जेब में हो। वो व्यक्ति निश्चित रूप से ससंकित होकर के घूमता है। जेब में माल हो, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसे माल पार कर दिया हो और कहीं जाकर छिपा दिया हो, वो उतना संकेत नहीं रहता। क्योंकि जब तक माल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो चोर कोई आसानी से साबित नहीं कर सकता, ख्याल में है ना। जैसे अपन बोलते रंगे हाथ पकड़ा जाए, चोरी अभी की है और चोरी का माल भी पास में है, कहते थे हादी अपराधे जो कुब्बदी सो संकेदो भमदी। चोरी आदि थे माने इस्ते माने चोरी होती ना, तो थे आदि अपराध, आदि में और हिंसा झूठ चोरी वगैरह ले लेना, अपराध जो करता है वो लोक में संकित होकर भ्रमण करता है कि मैं मुझे कोई पकड़ ना ले। माँ बज्जे झम केणरी, मैं किसी के द्वारा बांध लिया जाऊंगा। माँ माने नहीं, मैं किसी के द्वारा बांध नहीं लिया जाऊं, ऐसी शंका उसके चित्त में निरंतर रहती है। और जोड़ना कोण दी अपराह, और जो इस तरह का अपराध नहीं करता है वो इस जगत में निस्संक होकर के भ्रमण करता है। जनपदी है ना, जनपदी माने जनपदे, जनपद माने लोक में। नवि तस्य बज्जदो, उसको ये चिंता नहीं होती कि कोई मुझे बांध ना ले, निश्चिंत होकर के वो घूमता है। अभी ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, इसमें समझाने जैसी कुछ बात है नहीं। और अभी अमरचंदाचार्य खुद इसको रिपीट करेंगे, फिर बार बार आएगा उसमें रिपीट करेंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा अपन को समय लगाने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं एवं ही साव राहो बज्जामि अहम तु संकिदो चेदा, ऐसे कोई अपराधी चेदा माने आत्मा, चेतनता जिसमें विद्यमान है वो चेदा, आधा कहो चाहे चेदा कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। कहते जो अचेतन आत्मा अपराधी महसूस करता है कि मैं अपराधी हूँ, उसे ये शंका होती ही होती है कि मैं बंधन को प्राप्त होऊंगा, मैं बांध ना लिया जाऊं, है ना। जह पुण्य निरपराधो, और जो निरपराधी है वो इस बात के प्रति निस्संक होता है कि मुझे कोई बांध लेगा, ये सिद्धांत है। अब इसमें भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि समय सार की गाथा में ऐसा है क्या, तो अभी सार तो अब निकलने वाला है कि अपराधी माने क्या। कुछ लोग का तो चोरिया देख वाला अपराधी वाला हो गया, तो सारा लोक तो आ गया उदाहरण में। अभी लोक में जितने भी अपराध माने जाते हैं वे सब तो आ गए, उदाहरण बन गए, तो सिद्धांत तो उदाहरणों से अलग होना चाहिए ना। क्यों? तो ये कहते हैं कि परद्रव्य में जो एकत्व बुद्धि करता है उसका नाम अपराध है, तो वो चोर है। अब देखो क्या समझ लो किसको चोर कह रहे हैं, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव ये शरीर, वो राग द्वेष के परिणाम, परलक्षी ज्ञान का उपयोग भी पर्याय, ये सब मैं हूं, इसका नाम है अपराध। क्या? और जो ऐसा अपराध करेगा वो निशंक माने निशंक दंग का धारी नहीं हो सकता, माने सब में दृष्टि नहीं हो सकता, वो शंकाशील रहेगा ही रहेगा रहेगा। और जो निरपराध है माने जिसमें पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि नहीं है,
पर मैं कितना ले लेना, वे 29 प्रकार के भाव जो जीवा जीवाधिकार में आए थे, वरुणादि अनुराग आदि तेने भाव को न्यारा किया, उनमें एकत्व ममत्व जिसके है वो अपराधी, और उनमें से एकत्व ममत्व छूट गया वो निरपराधी। अब ये अपराध की परिभाषा है, ये जगत नहीं समझते। वो तो हाँ बात बिल्कुल साफ बात है, कितनी बढ़िया बात है, क्लियर बात है, वो तो चोर तो पकड़ा ही जाना चाहिए, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन वो चोर यहाँ कौन सा चोर लेना है, वो चोर कहीं तू तो नहीं है, इस पर गंभीरता से विचार तो कर। देखो अगली ही गाथा में ये बात कहने वाले हैं कि अपराध माने क्या है? राध माने होता है आत्मा, और आत्मा से जो रहता है वो अपराध, बस सीधी सी बात है। पर जिसने आत्मा में अपनापन किया वो निरपराधी, और जिसमें आत्मा को छोड़कर वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और किसी भी पर में अपनापन किया वो अपराधी। माने पर को कुछ ग्रहण किया, पकड़ा, छिपाया, ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो तू कर ही नहीं सकता। वो तो वस्तु के स्वरूप में इतनी पक्की व्यवस्था है कि वज्र की दीवार बनी है, उसमें से तू एक पदार्थ को छू तक नहीं सकता है? कैसे नहीं छू सकता? लो मैंने छू लिया ना, इसे छू लिया ना, ये छू नहीं सकता। अरे तूने कहाँ छुआ है, ये तो शरीर ने छुआ है, और तू शरीर ही नहीं है, क्यों नहीं छू सकता? बोलो सुरेश जी क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि छूने के लिए स्पर्श नाम का गुण चाहिए। किसे किसमें? जो छुए उसमें, और जिसे छुए उसमें, दोनों में, दोनों में स्पर्श नाम का गुण होगा तो ही छूने का व्यवहार हो सकता है। और आत्मा में स्पर्श नाम का गुण है ही नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं है ना? तो कहते हैं कि अपराध तो तू जीवन में हो सकता ही नहीं, यानी दूसरे को छू नहीं सकता तू, ये तो वस्तु की व्यवस्था इतनी एकदम पक्की है। जैसे लोक में पर द्रव्य को, पर स्त्री को छूने की जो सजा है ना, राम ने सीता को छुआ था, और वो कौन सा कीचक, उसने द्रौपदी को छुआ था, तो उनकी जो सजा उन्हें मिली थी है ना, ऐसे ही कहते हैं पर द्रव्य के छूने की सजा तो जो कीचक को मिली थी और रावण को मिली थी वो है, लेकिन परदेव को तो छुआ ही नहीं सकता, तो ये अपराध तो जीवन में हो ही नहीं सकता क्या? तो वो कहते हैं कि ऐसा मानना कि मैं छू सकता हूं, कि मैं छूंगा, क्यों ये इतना बड़ा अपराध है, और इसकी सजा क्या है? बोलो बिलास भाई, कितना साल होना चाहिए आपके हिसाब से? 5 साल आजीवन कारावास, इससे बड़ी सजा लोक में दुनिया में कोई है? कि अनंत काल से आज तक ये जो ये संसार में ये जीव है ना, ये बस इसी अपराध की सजा में है। बोलो कितनी बड़ी लंबी सजा है, कि मैंने छुआ ही नहीं है, मैंने छुआ ही नहीं है। सब अपराधी ऐसी ही बात करते हैं, कैसा तेरे मन में तो थी, तू चोरी करने गया तो था, लेकिन मैं करी तो नहीं ना, क्यों तूने माँ बहन को छूने की कोशिश तो की, छुआ तो नहीं ना, छुआ होता तो तुम मुझे दंड देते,
ये गवर्नमेंट भी मानती है, क्या करें क्यों गवर्नमेंट भी मानती है ना कि अपराध हुआ हो तो फांस सजा। जिस आदमी को मारने की अपराध में किसी को फांसी की सजा हुई हो और फांसी पर चढ़ाने को ले जा रहे हों और वो आदमी चिल्लाता चिल्लाता दौड़ के वहां पहुंच जाए कि मैं जिंदा हूं मैं जिंदा हूं, तो मैं पूछता हूं कि उसे फिर फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए चढ़ाया जाएगा कि नहीं, क्यों समझ में आ गया? अपराध ही नहीं हुआ, वो जिंदा है जिसके मारने के में ये गवर्नमेंट का फैसला है कि नहीं है? जैसे यहां भी हो जाए गवाह है कोई है ना, गवाह कौन, अनंत भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे समोसन में बैठ के एक दूसरे दिव को छू ही नहीं सकता कह रहे ना दिव्य ध्वनि में सौ इंद्रों की उपस्थिति में और जबरदस्ती मुझे फांसी पर चढ़ा रहे कि भैया तेरे को इसकी सजा है ही नहीं, तूने जो ये माना कि मैं छू सकता हूं ये सजा तो इसकी है, तो छू लेता उसकी क्या होती, हम कल्पना लोक में विचरण नहीं करते क्योंकि छू सकता ही नहीं है, उसकी सजा का विधान हम करें क्यों? चलो एक आदमी को मारा किसी ने जान से तो उसकी सजा क्या है इस लोक में, फांसी है ना, मारना। अब इन्हें दस को मारा तो दस दफे फांसी, अब एक दफे चढ़ गया दूसरी दफे कैसे चढ़ा है, क्यों? कोई इस गवर्नमेंट के पास कोई इलाज नहीं है, उसने हजार ने मारा तो लाख को मारा तो ये जो डाकू कैसे बनते मानो, तुम तो महाविद्यालय में भर्ती होने आए हो, वो डाकुओं के विद्यालय में भर्ती होना हो तो वहाँ क्या क्या इंटरव्यू होता है मालूम नहीं, मैं बता दूँ जाना है क्या वो कहते हैं किसी एक की हत्या करके आओ तो हम तुम्हें यहाँ पर इसमें अपने ग्रुप में भर्ती करेंगे, क्यों कि एक दफे की हत्या करी तुमने एक आदमी की तो उस अपराध के बदले में तुम्हें फांसी होगी, अब तुम हमारे ग्रुप में से भाग के गवर्नमेंट के पास जाओगे कहीं भी जाओगे तो तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तो तुम फिर भाग नहीं भागोगी और तुम जानते हो ज़्यादा सजा है ही नहीं, हजार को मारो तो भी एक फांसी और लाख को मारो तो एक फांसी, तो फिर तुम मारने के प्रति निर्द्वंद हो जाओगे, तो एक मर गया हमसे हत्या हो गई तो अब चाहे जितने मारो सजा तो उतनी ही है, क्यों वकील साहब यही है आपके कानून में क्या नहीं, यही बात तो ये सिद्ध करती है कि नरक है, नरक का अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है, नरक है ये कैसे सिद्ध करें हम, क्योंकि लोक में अपराधी को सजा तो मिलनी ही चाहिए, तो एक आदमी को मारने की एक दफे फांसी तो लाख आदमी को मारने की लाख दफे फांसी होनी चाहिए ना, न्याय तो ये कहता है ना, तो ऐसी जगह जरूर होना चाहिए कि जहां आदमी को एक लाख बार फांसी पे चढ़ाया जा सके, और ये कब हो सकता है कि फांसी पे चढ़ने के बाद गला घुटने के बाद वो मरे नहीं क्यों, तो नरक एक ऐसी जगह है कि काट काट के टुकड़े कर दो हैं, समझे ना, फांसी से भी बड़ी सजा दो तो भी वो इकट्ठे हो आकर के और फिर वो खड़ा तैयार, अब उसे लाख दफे हजार की जितनी दफे फांसी पे चढ़ाना हो चढ़ाओ, मारो काटो काटो मारो, इतनी सजा ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां उसे बार बार फांसी पे चढ़ाया जा सके, ये सिद्ध करता है ये लोक की न्याय व्यवस्था के नरक की सत्ता इस जगत में है, कि अनादिकाल से आज तक है ना, तूने
संसार में रहा है तो बिना किसी अपराध के तो नहीं रहा है। क्यों? तूने अपराध तो किया है, वो कौन सा अपराध है? अब हत्या करे, लाख की हत्या करे, तो उसका फल तो न रखे, समझना। अब उसका फल तो ये है नहीं नाना जी से निको देना, ये अनंत काल नहीं है उसकी सजा, 33 सागर से ज्यादा नहीं है, समझना ना मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसा कोई अपराध होना चाहिए है कि अनंत काल से ये सजा भोग रहा है, तो वही इससे बड़ा अपराध होना चाहिए राजेंद्र बाबू, क्या? और वो क्या है? 1 लाख हिटलर ने कितने लोगों को मारा, अब उससे भी बड़ा कोई अपराध होना चाहिए, वैसा बड़ा कोई अपराधी होना चाहिए, तो वो कौन है के पद द्रव्य में को मैं छू सकता हूं, इतना मानने वाला वो उससे बड़ा अपराधी है, क्योंकि इस अपराध की सजा में वो अनंत काल से इस संसार में है। सजा भोग रहा है तो अपराध होना चाहिए। अब उस सजा से ये अपराध सिद्ध होता है कि कितना बड़ा अपराध है। रावण के बारे में कहा जाता है, जेहि पाप रावण मर के नर के गयो, तेहि पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। क्या आज की दशा का चित्रण है? कोई शील भंग नहीं किया था सीता का रावण ने, वो तो अग्नि परीक्षा से सिद्ध हो गया था। तो क्या किया था? मन में उसके शील भंग करने का विचार किया था। क्यों? वो उसकी सजा में वो रावण नरक गया कि नहीं गया, ये तो बाद में कभी विश्लेषण करेंगे, लेकिन वो जो कभी कहता है कि यदि वो सजा उसने पाप किया था, तो जिस महिला के साथ उसने ये पाप किया था वो महिला तो अग्नि परीक्षा देके साबित कर गया कि मेरे साथ कोई अपराध हुआ ही नहीं, तो अपराध कहां से दूंगा बोलो। अब ऐसा कि उसका अपराध नरक गया कहते हैं, अब वो अपराध तो लोगों ने खिलौना करी रखा है, मैंने उसकी क्या दशा है जो हर एक आदमी की देखो। कभी कभी तो मैं ये कहता हूं कि मुझे तो राम का घर नहीं देखना है, मुझे तो रावण का घर देखना है। इस देश में कोई रावण जैसा घर हो तो मुझे बताना, मैं उस घर में जाकर उस घर के दर्शन करना चाहता हूं, उसे मस्तक झुकाना चाहता हूं। राम जैसा घर नहीं चाहिए मेरे को, क्या बात कर रहे हो? क्यों? जिस घर में से विवाहिता को गर्भवती को बिना किसी अपराध के जानते हुए और ऐसा कठोर सजा दी जाए कि जानवरों के बीच में छुड़वा दिया जाए जंगल में, जिस घर से छुड़वा दिया जाए वो घर मुझे नहीं देखना है। हिंदुस्तान में ऐसा घर नहीं है, एक भी नहीं है, वो तो बताओ कि इसने जंगल में ऐसा गर्भवती महिला को छुड़वा दिया है, वो बोलो नरेंद्र जी। तो रावण का कैसा देखना है कि जिसके घर में एक पराई औरत 6 महीना रही हो और जिसे वो जीदान से चाहता हो, सारी इज्जत को दांव पे लगाकर पत्नियों का विरोध, बच्चों का विरोध, भाई का विरोध क्यों बर्दाश्त करके भी जिसका समागम चाहता हो, लेकिन उसने नहीं चाहा जिसका वो समागम चाहता है, क्यों? तो उसने उसको हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा घर मुझे देखना है।
कि जिसके घर में कोई महिला जिसे वो जी जान से चाहता हो उसके घर में रहे, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, क्यों कोई विरोध करने वाला नहीं हो हैं, और वो महिला दो दिन भी वहाँ से सुरक्षित रह के निकल जाए, ऐसा कोई घर हो तो मुझे बताना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे घर ऐसा कोई आश्रम हो तो बताना। समझ में आया कि नहीं आया? सरवेद, जो रोजाना अखबार हम देखते हैं पढ़ते हैं उनसे कई हमको ऐसा लगता है कि मेरी ये कुंवारी बेटी है 18-20 बरस की, अब मैं जा रहा हूँ कहाँ अगले भव में, तो मैं यहाँ छोड़ दूँ इसे कि जिससे इसकी इज्जत सुरक्षित रहे, ऐसी कोई जगह है? क्यों मिलेगी हिंदुस्तान में जिसमें पूरा विश्वास किया जा सके? आवाज समझ में आया कि मैं कहता हूँ मुझे रावण का घर देखने का मतलब समझ में आया कि नहीं, क्या कहना चाहता हूँ? इसके लिए लिखा कि जाहि पाप रावण नरक गयो ते ही पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। आज की स्थिति तो क्या है, नरकों में इतनी जगह कहाँ मिलेगी, इतनी जगह है कहाँ? समस्या ये नहीं है, आवास की समस्या है। एक एक बिल में हजारों को एक साथ ठूसेंगे, तुम्हारे एक कमरे में तीन से चार लगा दो तो हाय राम हाय राम हाय राम इतना हल्ला करते हो, क्यों तीन उसको छोड़ छोड़ के हमारे पास पहुंच जाते हो? विचार करो गंभीरता से, ये कौन सा अपराध है? ये अपराध कौन सा? परद्रव्य में एकत्व बुद्धि का अपराध ऐसा है कि तुम्हें ऐसी देह में जाना पड़ेगा कि वो देह तुम्हें चश्मा लगा करके भी दिखेगी नहीं, सुई की नोक पे आलू में से निकालो ना क्या, और जो कण आए उसमें असंख्य शरीर, क्यों एक शरीर में कितना छोटा घर, इसमें अनंत एक साथ रहना पड़ेगा बेटा, सोच लो है? है? रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा बोलो है? अभी तो इतने में घबरा, ऐसे कैसे रहेंगे इतनी जगह? ऐसा करेंगे तो हमारे लिए 1000 आदमी का हमें सिविल लगाना पड़ेगा, तो उसके पहले 500 कमरे बनाना पड़ेंगे एसी के, क्यों तभी तो लगा सकते हैं, बोलिए क्यों पिंकी चाहिए ना एसी कमरा तो चाहिए ना, चाहिए ना, तो 500 तो चाहिए नहीं बनेंगे ना, नहीं भाई चाहिए बनेंगे है? अब जब तक वे बनेंगे नहीं तब तक हमारा सिविल लगेगा नहीं। अरे हम तो 2-3 हॉल बनाएंगे, एक हॉल में महिलाएं सब, एक हॉल में पुरुष, कहला चलो हमारा सिविल चलता है, चल रहा है 47 साल से ऐसे ही उस हॉल में एक पंखा लगा होगा, 100 आदमी ठहरे होंगे है? अरे हम तो सोनगढ़ पूज गुरुदेव श्री के पास पधारे तो हम बरसों तक सुबह उठ के लोटा लेकर के लैट्रिन जंगल में जाते थे, बरसों तक, अंत अंत समय में थोड़ी बहुत लैट्रिन बन गई होंगी, हम क्या जाते थे, गुरुदेव खुद जाते थे। जाते थे कि नहीं जाते थे बोलिए,
मैं तो कभी कभी विचार आता है बहुत गंभीरता से, दो ही लोग मुझे याद आते हैं, एक तो वे माँ बाप के जिनने जन्म दिया और जन्म के पहले से ये संकल्प किया कि इन्हें हम जैन धर्म पढ़ाएंगे और जैन धर्म का विद्वान बनाएंगे। उनका अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर है और वो मरते वक्त हमारे पास एक नया पैसा नहीं छोड़ गए, था ही नहीं क्या? कि घर तो छोड़ गए होंगे, वो भी बेच मार खत्म, सब खा साफ। हम तीनों भाई बस ऐसे ही खड़े, हमने आज हमें समझ में आता कितना पुण्य का उदय था कि हमारे पिताजी हमारे पास कुछ छोड़ जाते तो हम जितने प्रेम से आज तक अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं नहीं रह पाते, लड़ मर जाते, शत्रु बन जाते। दो अनंत उपकार किए उन्होंने हमारे ऊपर, एक जैन धर्म पढ़ाया, सब कुछ वो जो उन्होंने किया वो सब कुछ खर्च उसमें ही किया हमारे पढ़ाने में, क्या भूखे रह करके भी। तो एक तो अनंत उपकार उनका है और दूसरा उससे भी अनंत गुणा उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है कि जिनने वो पढ़ाई, वो तत्व ज्ञान, वो चीज दी कि जिससे अनंत भव हमारे सार्थक हो गए। तीसरा आदमी मुझे कोई याद नहीं आता, सुबह से ही सोच रहा हूं मैं, तो चौथा आदमी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब भाग्य से भाई इस वक्त तीनों ही नहीं हैं, तो इस जगत में अब ज्यादा रहने की इच्छा क्यों करें, किसके लिए करें? अब मुझे कुछ जगत में रहने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मैं तैयार हूँ, हर क्षण तैयार हूँ। क्या लोग समझते हैं कि डर रहा हूँ? बहुत धोखे में हैं आप। मैं डर रहा हूँ, मुझे तो हर क्षण में जाने की तैयारी में हूँ। ये जगत एक क्षण नबी मुझे रहने लायक दिखाई नहीं देता है। क्या? और वैसे तो अपन उस भावना वाले जीव हैं कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, क्योंकि अपनी समाधि मरण के जो पांच अतिचार बताए ना, पढ़े याद हैं, तो उसमें जीने की इच्छा भी एक अतिचार दोष है और मरने की इच्छा भी एक अपराध है, दोष है। मैं मरने की इच्छा नहीं कर रहा हूं, धोखे में मत रहना, मैं तो लाखों वर्ष तक जीने को तैयार हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कोई ऐसा नहीं दिखता जिसके लिए जीऊं। वो दम नहीं है किसी बात में भी। भाई गाथा पढ़ो जिससे मैं अपने विफल व्यवस्थित हो जाऊं। पढ़ो भाई, ये तीन गाथाएं।
अपराध माने क्या? यहाँ जो अपराध की व्याख्या है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर परद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, आश्रय माने उन्हें गेय बनाकर, गेय रूप आश्रय, गेय रूप निमित्त विकारी भाव और आत्मा में पर के लक्ष्य से उठने वाली विकल्प की तरंगे, भेद के लक्ष्य से उठने वाली विकल्प की तरंगे, उनसे भी भिन्न जो मेरा भगवान आत्मा है वो मैं हूँ, इस मान्यता को छोड़कर अन्य परमाणु मात्र किसी भी पदार्थ में एकत्व बुद्धि, इसका नाम अपराध। मैंने कहा था राध माने आत्मा, देखो अगली गाथा में लिखा है। हाँ देखो पढ़ो अभय जी, संसिद्धि सद्धि राधम, संसिद्धि राध सिद्धम, संसिद्धि राध सिद्ध साधित आराधित, इन सब का अठम एक ही अर्थ है, इनका सबका एक अर्थ है। अर्थ है माने मीनिंग है, नहीं इन शब्दों से बात से एक ही अर्थ माने पदार्थ है। अब एक राध आया ना इसमें, तो राध माने आत्मा, और अवगत राधा अपराधा नीचे की कथा में लिखा ना, अवगय राध नीचे की पंक्ति में, अवगत राधो शोक, जो आत्मा अवगत राध, राध से रहत है माने आत्मा में एकत्व बुद्धि से रहत है, वो आत्मा ही अपराध है। वो लोग इतना अपराध भी बाहर नहीं, अपराध भी अंदर, पर आत्मा ये राध है और इसकी आराधना जिसके है वो राध है, और जिसकी आराधना नहीं है वो अपराध है। कि मैंने क्या गलती की, मेरे क्या गलती की, इतने नाराज क्यों, क्या गलती की, कि तूने आत्मा की आराधना नहीं की, एक गलती की। राम जी भाई थे ना, तो वो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी शायद, उस किताब की एक पंक्ति लिखी थी मुझे याद है, कि ये जीव की एक सबसे बड़ी नहीं है, एकमात्र एक गलती है कि अपने आत्मा को नहीं जाना, बस खत्म, और दूसरी कोई गलती हुई ही नहीं। कहीं लिखी है, मैंने पंक्ति पढ़ी थी उसमें, एकमात्र गलती है, कोई गलती नहीं है उसमें लिखी ना, धर्म की क्रिया नामक किताब में लिखी, एक ही गलती है कि भाई जब बड़ी गलती है दूसरी छोटी होगी, फिर ऐसा नहीं, दूसरी गलती कोई है ही नहीं। क्योंकि इसमें कहते हमें देखो अपने है, अपने यहां है राध और वैष्णवों में है राधा। अरे आप हंसते हो, हंसने की बात नहीं है, तो एक ही बात है कि उनके यहाँ दो तरह के धर्म हैं, एक ऐसा मानते हैं कि उनके ईश्वर है पुल्लिंग, तो उसकी आराधना करने वाली सब हैं महिलाएं, ख्याल नहीं ना, और कुछ ऐसे हैं मोहम्मद जायसी जैसे कि वहाँ आत्मा है औरत और उसकी आराधना करने वाले हैं पुरुष। सुना कभी, ये कबीर है, मीरा है, ये तो कहते हैं कि मैं राम की बहुरिया, मैं तो राम की पत्नी हूं, है ना, मैं तो राम की बहुरिया, और जायसी वाले ये कहते हैं कि
ये जो आत्मा है, आत्मा है वो तो मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, और उसकी जो आराध्य है वहाँ एक जो उनका एक महाकाव्य है, पद्मावत नाम है उसका, तो रतन सेन राजा है और उसकी महारानी है पद्मावती, तो पद्मावती है भगवान का रूप और रतन सेन राजा है भगत और वो भगवान की आराधना करता है। ऐसा यहाँ राम है भगवान और सीता उनकी आराधना करती है, ये है यहाँ, समझे ना आपकी ना? तो किसी के यहाँ राध भगवान है और किसी के यहाँ राधा भगवान है, समझ गया ना? राधा माने आत्मा, आत्मा को भी स्त्रीलिंग मानते हैं ना, जो स्त्रीलिंग मानते हैं समझे ना, वे उसे राधा कहते हैं और जो पुल्लिंग मानते हैं वे उसे राध कहते हैं, एक ही बात है, दूर की बात नहीं है। फंडामेंटल में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सब जगह यही मिलेगा। देखो ये हैं पंजाबी लोग, सिख के भी दो ग्रुप हैं, कौन कौन से? एक निरहंकारी, एक अहंकारी, है ना? अकाली समझ लो, वो अकाली जो हैं, और उनमें क्या फर्क है मालूम? जो नीली पगड़ी बांधते हैं वे हैं निरहंकारी, अलाख निरंजन वाले, और जो दूसरे हैं ना, दूसरे रंग की पगड़ियां बांधने वाले, वे हैं अकाली। पर दोनों का एक ही अर्थ है, अकाली माने वो आत्मा जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैन धर्म में काल पर्याय को भी बोलते। दो अर्थ हो गए, क्या माने जो पर्याय से भी पार है, अकाल है, और दूसरा अर्थ यह है कि धर्म वो है जिसका पर काल का असर नहीं पड़े। चौथे काल में तो पांच महावीर ठीक थे, अब पंचम काल में तो कपड़ा पहन लेने दो ना मुनिराजों को, दीर्घच्छेद काल भाव का ध्यान रखो ना। पुराने जमाने में इतना क्रियाकांड अच्छा था, अब तो इतना ऐसा जमाना आ गया ना, तो थोड़ी छूट तो दो चरणानी योग में। तो वो ये कहते हैं कि काल के हिसाब से धर्म नहीं बदलता, उसका नाम है अकाली, अकाल, सत श्री अकाल। कल अलग था और आज अलग, जो रूप बदलता है वो बदलता रूप वाला वो वस्तु नहीं है, जो कभी नहीं बदलती वो असली चीज है, जिसमें काल का जिसपे असर नहीं है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो अकाल है, तो वो मानने वाले अकाली हैं। और निरहंकारी के परद्रव्यों में अहंकार करने वाले नहीं, उसमें अहंकार नहीं करो, पर अपने आत्मा में अहमपना करो, अहम एक कोखली शुद्धो प्राण दंशन मयूरूप, रंच मात्र भी पर में जिनका अहंकार नहीं है, एकत्व बुद्धि, अहंकार माने एकत्व बुद्धि, मैं पर के कर्ता नहीं बनते, अहम करोमि करोती थी कर्ता, अहंकार, अहम करोती थी अहंकारा, मैं करता हूँ, मैंने किया, जो जिनमें ये नहीं है वे हैं निरहंकारी, है नहीं ना? तो दोनों ही शुद्ध अध्यात्मी हैं, और उन हिंदुओं में भी ये जो पंथ निकले जितने, वे सब अध्यात्म के पंथ माने जाते हैं, चाहे वो कबीर का हो, चाहे वो जायसी का हो, चाहे ये अकाली हों, चाहे निरहंकारी हों, या चाहे ये गुरु नानक वाले हों, ये जो संत कहलाते हैं ना, ये सब क्रियाकांड के विरोधी, वेदों के विरोधी। अब मैं पूछ सब बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं कह सकता, वो पूजा पाठ के विरोधी, मूर्तियों के विरोधी, निर्गुणी वाले, समझे ना, हैं जो कि निराकार वाले, भगवान किसी आकार में नहीं है, हमें किसी आकार के पूजक नहीं है, भगवान को किसी आकार के हम पुजारी नहीं हैं, हम तो अनाकार, त्रिकाली ध्रुव, आप समझे ना, उसके पुजारी हैं वो, ये सब धर्म वाले जितने हुए हैं वो ये सब इसी टाइप के हैं, जो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में हुए, जितने भी ये जिन्हें बोलते संत संप्रदाय, उनमें
तो राध का मतलब समझे ना, राध माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, पर उससे हटे वे सब अपराधी। वो अगली गाथा में बताएंगे, भी सब अपन पढ़ेंगे। जैसे इस गाथा में, इन तीन गाथाओं में तीसरी तो बात है, ज़्यादा बात है भी नहीं। यदि अपने नम्यचंद की टीका पढ़ें तो पढ़ लेते हैं, 5 मिनट हैं अपने पास। जिस प्रकार जगत में जो पुरुष परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध को करता है, उसको बंधने की शंका होती ही है, और जो इस प्रकार के अपराध नहीं करता उसे बंधने की शंका भी नहीं होती। उसी प्रकार है आत्मा भी अशुद्ध बरतता हुआ परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध करता है तो उसे बंध की शंका होती है, तथा जो आत्मा शुद्ध बरतता हुआ उक्त प्रकार का अपराध नहीं करता उसे बंध की शंका नहीं होती, ऐसा नियम है। इसलिए समस्त परकीय भावों से के सर्वथा परिहार द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर निरपराधता होती है। बहुत सीधा सरल है, जो अभी गाथाओं में बताया ना वही है, तीन गाथाओं में ज़्यादा बात नहीं है। और उसका भी सार उक्त गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार लोक में अपराध करने वाला निरंतर सशंक रहता है, उसे ऐसी शंका निरंतर बनी ही रहती है कि मैं पकड़ा न जाऊं, इसी कारण वह बंधन को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मा की आराधना से रहित लोग पुण्य पाप रूप भावों से परिणमित होते रहते हैं और निरंतर सशंक रहते हुए बंधन को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार लोक में निरपराधी निरंतर निशंक रहते हुए बंधन को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार आत्मा की आराधना करने वाले निरपराधी आत्मार्थी भाई भी निरंतर निशंक रहते हैं और बंधन को प्राप्त नहीं होते। इसलिए निरपराधी रहने के लिए परभावों के त्याग द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, आत्मा की आराधना करना चाहिए। पूरा आ गया, अभी और ज़्यादा उदाहरणों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बात गंभीरता से आ गई है, उस पर हम गंभीरता से विचार करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।